गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए कुछ आपकी क्लासेस के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू की थी। उसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 11 फॉर बीएससी पार्ट सेकंड, जिनकी यूनिट सेकंड चल रही थी, जो थी हमारी एल्कोहल्स। तो आपको जैसा कि पता है कि हम पिछले लेक्चर्स में हम क्या पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में, देख चुके हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और कैसे उनका ऑक्सीडेशन होता है, कैसे उनकी पहचान की जाती है। फिर हमने अपने लास्ट लेक्चर में शुरुआत की थी डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स की, उनको देखा हमने क्या होते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, उनका नॉमिनक्लेचर देखा और हमने देखा कि उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो उसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रहे थे, हमने एक दो मेथड्स देख लिए थे। क्या चल रहे थे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो हमने कुछ मेथड देखे थे, जिसमें कौन सा था, हाइड्रोक्सीलेशन था। हाइड्रोक्सीलेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि जो एल्कीन है जब उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन होता है तो उससे क्या बनता है, तो उससे डाई एल्कोहल बनते हैं। और जो हमने एल्कोहल्स देखे थे वहां पर एल्कीन से, अब एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड तो केवल दो ही कार्बन पर लग सकता है और जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा उन्हीं पर हाइड्रोक्सिल समूह आएंगे। यानी कि जो हमने देखे थे वहां पर, जो हमारी जो एल्कोहल्स बन रहे थे वो कौन से एल्कोहल बन रहे थे, अल्फा एल्कोहल्स बन रहे थे, अल्फा डाइऑल्स बन रहे थे। याद होगा आपको, हमने बताया था जो 1-2 एल्कोहल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अल्फा ग्लाइकोल्स। तो वो मेथड्स जो थे वो किसके लिए थे, अल्फा ग्लाइकोल्स के लिए थे। अब हम कुछ और मेथड्स देखेंगे जिनसे हम एल्कोहल बना सकते हैं। अभी तो हम एल्कीन से ही देख रहे थे, अभी हम एल्कीन से कुछ देखा था, हम लोगों ने रिएजेंट्स लिए थे, कौन कौन से लिए थे, एल्कलाइन की MnO4 लिया था, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड लिया था। तो ये जो रिएजेंट थे इनसे क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेशन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल समूह होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह का योग होता है और उनसे हमारे क्या बन रहे थे, एल्कोहल्स बन रहे थे। अब हम देखेंगे कुछ और रिएजेंट जिनसे डायोल्स बनते हैं, लेकिन वहां पर सिन डायोल बन रहे थे। आपको याद होगा मैंने बताया था कैसे डायोल्स बने, सिन डायोल, वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन थे, सिन डायोल। आज हम कुछ ऐसे रिएक्शन लेकर आए जिनसे एल्किन से डायोल बनेंगे, लेकिन ये एंटी डायोल होंगे। एंटी डायोल मतलब सिन में मतलब दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही तरफ होंगे, एक ही प्लेन पर होंगे, है ना। अगर ये अबव द प्लेन है तो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अबव द प्लेन होगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक अबव द प्लेन है तो एक बिलो द प्लेन होगा, यानी एंटी होंगे डायोल्स। तो देखते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मेथड वो क्या है, वो है इपॉक्सीकरण। इपॉक्सीडेशन मतलब इपॉक्साइड का बनना। इपॉक्साइड क्या होते हैं, इपॉक्साइड मतलब जैसे ये है, यहां पर CH2, तो ये क्या है, ये इपॉक्साइड है, यानी कि साइक्लिक फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या है, आप उसको कह सकते हैं साइक्लिक ईथर है, ईथर कह सकते हैं ना इसे, क्या है ये, साइक्लिक ईथर है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीजन रिंग। क्या बोलते हैं, जब 3-membered रिंग में ऑक्सीजन इंजर्ट हो, यानी कि जब 3 सदस्य वाले बने हो जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। तो ऑक्सीजन रिंग बनती है, या इसको नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड बोलते हैं। तो हम देखेंगे इपॉक्सीकरण द्वारा एल्कोहल्स का निर्माण कैसे होता है। तो ये जो रिएक्शन है पहले इपॉक्साइड बनेगा, फिर इपॉक्साइड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। एसिड मीडियम में भी कर सकते हैं और बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे। लिखेंगे जब एल्कीन को पर एसिड्स, यहां पर जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या है, पर एसिड्स के साथ अभिकृत किया जाता है, तो क्या बनता है, इपॉक्साइड का निर्माण होता है। तो क्या होता है, इपॉक्साइड का निर्माण होता है।
फिर बाद में क्या करेंगे, इपॉक्साइड के अम्लीय अम्लीय जल अपघटन या क्षारीय क्षारीय जल अपघटन द्वारा डायोल्स का निर्माण होता है। ये तो जल अपघटन है, अम्लीय माध्यम में भी हो सकता है, क्षारीय माध्यम में भी हो सकता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि केवल अगर इपॉक्साइड है तो हम केवल अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास क्षार भी है, अम्ल मौजूद है, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं, एस2 का एडिशन करा रहे हैं, अटैक करा रहे हैं, वो भी पॉसिबल है, क्षारीय माध्यम में भी पॉसिबल है। बस दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि अम्लीय माध्यम में अटैक जो होता है वो हम बोलते हैं मोर हिंडर्ड साइड से होता है, यानी कि एल्कीन पर जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उस साइड से अटैक करेगा, वो वाला बॉन्ड टूटेगा। जबकि क्षारीय माध्यम में बोलते हैं कि जो बॉन्ड टूटता है वो लेस हिंडर्ड साइड से टूटता है, यानी कि जो हमारा H2 है वो कहां से अटैक करेगा, या OH- है हाइड्रोक्सिल समूह कहां से अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड साइड से। देखते हैं क्या होता है। ये पर एसिड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो एसिड तो सुना होगा, जैसे ये है RCOOH, क्या है एसिड है, एक ऑर्गेनिक एसिड है, नॉर्मल जानते हैं आप कार्बोक्सिलिक एसिड है, आर कुछ भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, या कोई एराइल समूह भी हो सकता है। तो ये एसिड्स हैं, जब इनको किसके साथ H2O2 के साथ इनका मिक्सचर लिया जाता है, एसिड्स और H2O2 का मिक्सचर, तो क्या होता है, तो जो फॉर्मेशन होती है, जो बनता है, उनको क्या बोलते हैं, पर एसिड्स बोलते हैं। तो पर एसिड्स को हम क्या दिखा देते हैं, H2O2 को इस तरह से ना दिखाकर यहाँ पर ही पर ऑक्साइड की लिंकेज करा देते हैं, एक ऑक्सीजन और यहाँ पर OH जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड बन गया, परऑक्साइड लिंकेज बन गई, ठीक है। इसीलिए ये जो एसिड्स है ये क्या कहलाते हैं, पर एसिड्स, क्या कहलाते हैं, पर एसिड्स। यहाँ पर परऑक्साइड लिंकेज है ना, तो ये बॉन्ड वीक होता है। तो हम देखेंगे कि जो पर एसिड्स है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। पर एसिड कोई सा भी हो सकता है, कई तरह के होते हैं, ये हो सकता है CH3COOH, ये भी होता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ये क्या है पर एसिटिक एसिड है, ये ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरो पर एसिटिक एसिड। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन जो भी यूज करते हैं वो है MCPBA, क्या यूज करते हैं MCPBA, नाम सुना होगा MCPBA, क्या होता है MCPBA होता है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक एसिड पर बेंजोइक एसिड। तो क्या करेंगे COOH, ये बन गया क्या पर बेंजोइक एसिड, लेकिन इसमें कुछ और भी लगा हुआ है मेटा क्लोरो, तो मेटा पोजीशन पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, इसी को बोलते हैं MCPBA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्या बोलते हैं इसे मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये बहुत यूज होता है हम एल्कीन से जब टायल सुनाते हैं तो ज्यादातर हम MCPBA को यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो MCPBA ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पर एसिड से उनको हम यूज कर सकते हैं और उनकी रिएक्शन कराते हैं एल्कीन के साथ, क्या जनरेट होते हैं डायोल्स का जनरेशन होता है। तो हम देखते हैं कैसे जनरेशन होगा, मैं मिटा दूं इन सभी को, MCPBA की स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए क्या होती है, बार बार नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो पर एसिड्स कई सारे हो सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पर एसिड्स कौन से होते हैं, पर एसिड्स बहुत सारे हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं CF3CO3H, MCPBA, या फिर हम यूज कर सकते हैं CH3CO3H या HCO3H ETC, बहुत सारे पर एसिड्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। तो पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। मान लो ये हमारी सिंपल एल्कीन है, क्या है कौन सी एल्कीन है, इथिलीन है, सिंपल एल्कीन है, ठीक है।
हम जानते हैं इसमें क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इथिलीन में क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एल्कीन्स जो होती हैं वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती हैं। इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे इजिली दे सकती हैं। पर एसिड्स हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। या मैं ऐसे बना दूं, कोई एक पर कोई सा भी पर एसिड हो सकता है, लेकिन मैं आर लेके चल रही हूँ, यानी कि कोई सा भी पर एसिड हो सकता है। तो मैंने ये लिया, यहाँ आर ग्रुप जोड़ दिया। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CF3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकती है, एराइल यानी बेंजीन वाली रिंग भी हो सकती है, मेटाक्लोरो बेंजीन रिंग भी हो सकती है। तो ये कोई हमारा क्या है, ये है हमारा एक पर एसिड और ये है हमारे पास एल्कीन। तो यहाँ होता क्या है, यहाँ ये होता है, मैं थोड़ा साइड में बनाऊ एल्कीन को, यहाँ होता क्या है, एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन भी है। लेकिन पहले कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है, यहाँ पर होता है एल्कीन से पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है। पार्शियल मतलब थोड़ी सी मात्रा में, ऐसा नहीं सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चली जाती है, पार्शियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका थोड़ा सा ट्रांसफर पहले कहाँ होता है, पर एसिड पर होता है, फिर पर एसिड से ट्रांसफर कहाँ होता है, एल्कीन पर होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है पर एसिड पर जाएगा, यहाँ लोन पेयर है, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बो कटाइन सा जनरेट होगा। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से अटैक किया इसने ऑक्सीजन पर, तो क्या होगा, ये बॉन्ड जो है डबल डबल बॉन्ड ये टूटेगा, तो यहाँ पर जो कार्बन होगा, बना देती हूँ मैं, ये कार्बन है, तो जो कार्बन होगा उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कार्बो कटाइन जनरेट होगा। लेकिन इससे पहले कि कार्बो कटाइन जनरेट हो, ये यहाँ पर अटैक कर देता है इस कार्बन पर, तो क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्या बनती है, एक संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। तो होगा क्या, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा और इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा। तो थोड़ा ऐसे बनाओ मैं तो तुमको बेटर दिखाई देगा, ये लिया डबल बॉन्ड ओ और आर, अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये पर एसिड है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां ट्रांसफर हुई, ये जो लोन पेयर थे यहां से इस कार्बन पर ट्रांसफर हुए, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां चला जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो कहां, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कहां जाएगा, ये हाइड्रोजन का आ गया ऑक्सीजन के पास, ये बॉन्ड जो है ये कहां जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से होगा रिएक्शन, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को ले लेगा, जैसे ये बॉन्ड ने यहां अटैक किया ऑक्सीजन पर, ये लोन पेयर यहां अटैक किए, तो ये वाला जो बॉन्ड टूटकर कहां गया, यहां गया, ये वाला बॉन्ड टूटकर यहां गया, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर हुआ कार्बन के पांच बॉन्ड हुए, तो ये वाला बॉन्ड टूटकर कहां आया, यहाँ ऑक्सीजन पर आया, तो ऑक्सीजन पर जब बॉन्ड टूटकर आएगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेगा, ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेगा, प्रोटॉन को दिखाऊं, एच प्लस लेगा, है ना, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे ये बॉन्ड यहां जाएगा ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को ले लेगा, तो यहां पर क्या बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट। उसमें क्या होगा, ये एल्कीन है हमारे पास, पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, टूट रहा है, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा, है ना, तो पाई बॉन्ड क्या है, टूट रहा है, और हमारे पास क्या है, पर एसिड है, उसको मैं ऐसे बना ले ऑक्सीजन, तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन जो था उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड था वो भी टूट रहा है, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, यहाँ पर कार्बन होगा डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आर ग्रुप, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा आर ग्रुप के बॉन्ड पर, ये बॉन्ड ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये बॉन्ड भी तो टूट रहा है, और ये बॉन्ड क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह से क्या बनती है इसकी एक, क्या बनती है, ये एक संक्रमण अवस्था, ये क्या है, संक्रमण अवस्था, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आती है, इसके बाद सीधे किसका निर्माण होता है, एपॉक्साइड का निर्माण हो जाता है। क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड टूट रहा है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में है, डबल बॉन्ड जो था ये टूट रहा है और यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो बन रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड भी क्या है, टूट रहा है। तो इस तरह से एक संक्रमण अवस्था बनती है और एंड में हमको क्या मिल जाता है,
एंड में हमको मिल जाता है हमारा यहाँ पर CH2 ऑक्सीजन जुड़ जाता है, क्या बन गया ये हमारा इपोक्साइड बन गया, ठीक है। और बाहर क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है RC(OOH) एसिड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। मैंने मैकेनिज्म दिखा दिया है, यहाँ आर ग्रुप लेके चले हैं, यानी कि आर ग्रुप की जगह कोई सा भी पैरासिड हो सकता है, आर की जगह मिथाइल लगा सकते हैं, मेटाक्लोरोबेंजीन रिंग लगा सकते हैं, यानी बेटा क्लोरोफिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, तो अलग अलग तरह के पैरासिड्स बन जाएंगे। लेकिन मैकेनिज्म ये रहेगा, मैकेनिज्म दिखा दिया है, कॉमन मैकेनिज्म। इस तरह से इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, क्या होती है, इस तरह से इपोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये तो इपोक्साइड बना, अभी डायोल तो नहीं बना, तो जो आगे की रिएक्शन होगी वो कहां से होगी, इपोक्साइड से होगी। वो देखते हैं हम कैसे होगी आगे की रिएक्शन इपोक्साइड के साथ, क्या होगा हमारे पास, ये इपोक्साइड बना है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब मैं इसका जल अपघटन कराऊंगी, मान लो मैंने अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराया H+OH, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या कर लेगा, H+ को ले लेगा, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा ऑक्सीजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या है CH2, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी अगर हम देखें तो दोनों साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, तो चाहे एसिडिक मीडियम में अटैक कराए चाहे बेसिक मीडियम में अटैक कराए, प्रोडक्ट सेम बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कोई एक बॉन्ड वीक हो जाएगा, मान लो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव कार्बो केटायन की फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड टूटेगा और कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, है ना, तो ये बॉन्ड टूटने की कगार पर है, यहाँ पर कार्बो केटायन बनेगा, तो मान लो ये बॉन्ड टूटा और कहाँ पर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पर, ताकि ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज चला जाए। तो इस कार्बन पर क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पर जाएगा, इस कार्बन पर क्या जनरेट होगा, कार्बो केटायन की जनरेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर ये बॉन्ड टूटेगा, तो इस बॉन्ड पर कौन अटैक कर देगा, H2 अटैक कर देगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या आ गया OH2+, और यहाँ पर क्या आ गया OH, ये बॉन्ड टूटा, इधर OH बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, H+ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा CH2, OH, और ये बन गया OH। कैसा डायोल बना है, ये बना है एंटी डायोल, जो हमने पिछली बार मैकेनिज्म देखा था वहां सिन डायोल बन रहे थे, और ये जो मैकेनिज्म देखा है यहाँ पर क्या बन रहा है, एंटी डायोल बन रहे हैं। तो इस तरह से डायोल्स का निर्माण होता है, ये है इनकी मैकेनिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, कोई सा भी पैरासिड आ जाए आप सेम मैकेनिज्म से रिएक्शन कराएंगे, और देखते हैं आगे। तो रिएक्शन कराएं, अगर हमारे पास ये है, ये एल्कीन है H, यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ये लगा हुआ है H, इसकी रिएक्शन करा रही हूँ मैं MCPVA के साथ, किसके साथ, MCPVA के साथ, तो क्या बनेगा, डायोल बनेगा, और वो भी कैसा, एंटी डायोल बनेगा, क्या बना है, Anti-1,2-diol, ठीक है। या ये भी हो सकता है, इस तरह से एल्कीन हो आपके पास, ये एल्कीन दे दिए CH3, यहाँ पर CH2 है, इसकी रिएक्शन करा रही हूँ मैं CF3CO3H के साथ, ये भी पर एसिड है, ये भी पर एसिड है, और ये भी पर एसिड है, साथ में हमको क्या कराना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ेगा। तो मान लो ज्यादातर हम क्या कराते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्योंकि बेसिक की तुलना में एसिड हाइड्रोलिसिस जो है थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, एसिड किसका काम करता है, कैटलिस्ट का, तो हम ज्यादातर जो कराते हैं वो एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। लेकिन हालांकि बेस में भी, बेस के साथ भी हम रिएक्शन करा सकते हैं सेम, यानी इपॉक्साइड की रिंग ओपन हो सकती है बेसिक कंडीशन में भी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर भी एसिड हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, फाइनली हमको मिल जाएगा CH3, यहाँ पर OH, CH2, OH, ऐसे दिखा दे H CH2 OH, तो क्या बन गया, एंटी डाइओल, ठीक है, क्या बना, एंटी डाइओल फॉर्मेशन हुआ। मैं बोल रही हूं रिंग ओपनिंग हमने देख ली,
मान लो ऐसी कंडीशन है, मैं आपको बोल रही थी ना एसिड और बेसिक कंडीशन में दोनों में हो सकती है, ये है ठीक है, और यहाँ पर हमारा इपॉक्साइड बना हुआ है। ये दोनों हाइड्रोजन ले रहे हैं ठीक है। अब मान लो मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, दोनों तरीके से देख लेते हैं एसिड में और बेस में ठीक है। एसिड हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ तो ये एसिड ले लेगा, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कोई एक बॉन्ड ओपन होना है, जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो ये बॉन्ड ओपन होगा या तो फिर ये बॉन्ड ओपन होगा। अब देख लेते हैं कौन सा बॉन्ड ओपन होगा, क्योंकि जब हमने इथिलीन ली थी वहां पर तो कोई सिलेक्टिविटी नहीं थी, दोनों तरफ सेम था, तो वहां तो कोई सा भी बॉन्ड ओपन करो सेम प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड ओपन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सिलेक्टिविटी है, यहाँ पर एक ही बॉन्ड ओपन होगा, कौन सा होगा। अगर मैं इस बॉन्ड को ओपन कराती हूँ, मान लो जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कोई एक बॉन्ड वीक हो जाएगा ना, अगर ये बॉन्ड वीक हुआ तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये कैसा बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, कैसा बनेगा ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर ये वाला बॉन्ड वीक होता है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कैसा बनेगा 3 डिग्री। तो यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती। तो रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, यानी कि रिंग ओपनिंग कहाँ से होगी, रिंग कहाँ से खुलेगी जहां से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो यानी कि ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है वीक, यहाँ पर कार्बोकैटायन करेक्टर आ जाता है और ये बॉन्ड ओपन हो जाता है और जो H2O था वो यहाँ पर अटैक कर देता है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि जब अम्लीय माध्यम में कराते हैं तो जो H2O का अटैक होता है वो मोर हिंडर्ड साइड पर होता है। मोर हिंडर्ड साइड मतलब जहां पर ज्यादा ग्रुप लगे हुए हो, दिख रहा है यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये मोर हिंडर्ड साइड है, H2O यहाँ पर अटैक करेगा ठीक है। अगर ये रिएक्शन मुझे बेस में करानी होती, यानी कि मैंने लिया है H2O OH- बेस लिया है, तब क्या होता तो ये जो बेस होता ये अब क्या करता, ये अटैक करने जाता ठीक है। अलग से ले लेती हूँ, तो यहाँ पर जो रिंग ओपनिंग होगी वो कहां से होगी, मोर हिंडर साइड से होगी ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर H है ठीक है। अब देखें बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो क्या होगा, OH- का अटैक होगा है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, तो किसी को बॉन्ड कोई बॉन्ड वीक होगा ठीक है। लेकिन अगर एसिडिक सॉरी ये नहीं आएगा, एसिडिक मीडियम थोड़ी ना है, एसिड थोड़ी ना लिया, जो ये पहले प्रोटोनेट होगा, एसिडिक मीडियम लेते थे तो वहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये पहले प्रोटोनेट होता था ठीक है। लेकिन अब हमने एसिड मीडियम ले लिया, अब हमने क्षारीय मीडियम लिया है, और क्षारीय मीडियम में H+ तो नहीं होगा, क्या होगा OH- होगा, तो क्या होगा ये रिंग ओपन होगी। अब यहाँ तो इस साइड से ओपन हो सकती है या इस साइड से, तो ये जो OH- है ये अटैक करेगा या तो इस साइड पर अटैक करेगा या इस साइड पर अटैक करेगा। अगर यहाँ अटैक करेगा तो केवल हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इसको क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा, बहुत कम रिपल्शन होगा, तो ये बॉन्ड जो है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर OH- यहाँ से अटैक कर रहा है तो यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण करेंगे, OH ग्रुप को आसानी से यहाँ पर अटैक करने नहीं देंगे। तो जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो रिंग ओपनिंग होती है, इसलिए ये वाली रिंग ओपनिंग नहीं होगी, इस कार्बन पर रिंग ओपनिंग नहीं होगी। तो क्या होगा, जब हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो रिंग ओपनिंग कहां से होती है, लेस हिंडर्ड साइड से, यानी उस साइड से होती है जहां पर कम सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो रिंग ओपनिंग होगी यहाँ पर। लेकिन अगर एसिडिक मीडियम हो तो क्या बनता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है जिसकी वजह से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की जनरेशन होती है। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन वही बनेगा जहां पर क्या होंगे, ग्रुप ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर रिंग ओपनिंग कहां से होगी, जहां पर ग्रुप ज्यादा होंगे। तो एसिडिक मीडियम में रिंग वहां से ओपन होती है जहां पर ग्रुप ज्यादा हो, और बेसिक मीडियम में रिंग वहां से ओपन होती है जहां पर ग्रुप जो हो कम हो ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अब आप एसिडिक मीडियम में रिंग ओपन कराए चाहे बेसिक मीडियम में, आप देख सकते हैं बनेगा आपका एंटी डायोल, चाहे एसिडिक मीडियम से रिंग ओपन कराए या बेसिक मीडियम से, क्या बनेगा एंटी डायोल ही बनेगा। तो ये मैकेनिज्म हुआ, और एक मेथड देख लिया, और मेथड्स देख लेते हैं क्या कैसे कैसे हमारा एल्कोहल का निर्माण होगा। अगला जो मेथड है वो है, जैसे आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में देखा था ना, हमने वहां किससे बनाए थे, एल्काइल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया था। अब यहाँ पर डाईओल बनाने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, एल्काइल हैलाइड तो लेने पड़ेंगे, लेकिन कैसे डाई, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर क्या लिखूं,
मैकेनिज्म वही सेम होगा जैसा वहां पर कराया था, बस क्या है केवल वहां पर मोनो एल्काइल हैलाइड लिए थे, यहाँ पर डाई एल्काइल हैलाइड लेंगे। क्या लेंगे? डाई एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल डाई ब्रोमो एल्केन को क्या ले सकते हैं? डाई ब्रोमो एल्केन को एक्वस NaOH या एक्वस Na2CO3 के साथ उबालने पर क्या बनता है? उबालने पर ग्लाइकोल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या लेने हैं हमको? डाइब्रोमो एल्केन, ऐसे एल्केन जिन पर दो ब्रोमीन ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, जैसे मैंने ये ले लिया CH2, यहाँ पर Br लगा हुआ है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, एक ही कार्बन पर दोनों Br लगे हुए होंगे ऐसा हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर एक ही कार्बन पर दोनों Br लगे होंगे तो उनको हटाकर कौन आ जाएंगे? दोनों OH एक ही कार्बन पर, और मैं बता चुकी हूँ एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वहां से पानी बाहर निकल जाएगा और वो किसमें चेंज हो जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगा, जैम डायोल स्टेबल नहीं होते। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? यहाँ पर हमने लिया है इथिलीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एक्वस Na2CO3 के साथ। एक्वस सॉल्यूशन लिया है, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन लिया है, और ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर नहीं याद हो तो जहां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ रहे थे, जहां हमने सबसे पहली फॉर्मेशन की थी एल्काइल हैलाइड से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाए थे, वहां पर मैंने बताया था, वहां पर हमने क्या लिया था? एक्वस NaOH या एक्वस KOH लिया था, और मैंने बताया था कि हम एक्वस ही क्यों लेते हैं, जलीय विलयन ही क्यों लेते हैं, एल्कोहल में भी तो बनते हैं इनके विलयन, एल्कोहल में विलयन क्यों नहीं लेते? तो मैंने बताया था अगर ये एक्वस विलयन है तो यहाँ पे जो OH माइनस मिलेगा वो कैसा होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि ये जो OH माइनस है किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, कार्बन पर अटैक करेगा और हैलोजन को बाहर निकाल देगा, है ना, जाके क्या करेगा यहाँ पर? सीधे कार्बन पर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को बाहर, हैलोजन को बाहर निकाल देगा, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वही अगर हम इनका एल्कोहलिक सॉल्यूशन ले लें, एल्कोहलिक NaOH ले लेते या KOH ले लेते एल्कोहल में बना हुआ, तो ये किसका काम करते हैं? ये बेस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अगर हम इनका एल्कोहल में विलयन लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये बेस का काम करते हैं। बेस का काम करेंगे मतलब प्रोटॉन को, ये कार्बन पर जाकर अटैक नहीं करेंगे ना ब्रोमीन को बाहर निकालेंगे, ये क्या करेंगे? प्रोटॉन को खींचेंगे अपनी तरफ, ये तो प्रोटॉन लगेंगे। बेस का काम क्या है? प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रोटॉन को लेना, तो ये तो क्या करते हैं काम? प्रोटॉन को लेने का काम करेंगे, लेकिन हमें तो न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो हैलाइड को हैलोजन को जाकर हटा सके, उसको प्रतिस्थापित कर दे, खुद उसकी जगह आ जाए, तो हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन का बनेगा एक्वस में, इसलिए हमने यहाँ पर जो भी हमने NaOH और Na2CO3 दोनों लिए हैं वो किसमें लिए? एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ताकि यहाँ पर किसका काम करें? न्यूक्लियोफाइल का काम करें, बेस का काम ना करें, प्रोटॉन को ग्रहण ना करें, सीधे जाकर हैलोजन को विस्थापित करें। तो मैकेनिज्म जो है वो मैं पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में बता चुकी हूँ, वही मैकेनिज्म रहेगा, बस वहां पर मोनो एल्काइल हैलाइड थे, यहाँ पर दो हैलोजन्स को प्रतिस्थापित करना है, तो क्या बनेगा? CH2OH, यहाँ पर भी ब्रोमीन प्रतिस्थापित हो जाएगा, CH2 भी आ गया, तो क्या बन गया? 1,2-diol बन गया, यानी अल्फा ग्लाइकोल बन गया, इसी को क्या बोलते हैं? इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, ये रिएक्शन करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, जो हमने पिछले रिएक्शंस पढ़े थे वहां पर हम एल्कीन से बना रहे थे, और वहां पर केवल अल्फा ग्लाइकोल की ही फॉर्मेशन हो सकती थी, यानी 1,2-diol ही बन सकते थे, क्योंकि डबल बॉन्ड किन्हीं दो कार्बन के बीच होगा, और जिन दो कार्बन के बीच होगा वहीं पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे। लेकिन यहां से हम 1,3 का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, 1,4 का भी कर सकते हैं, 1,5 का भी कर सकते हैं, और 1,6 का भी कर सकते हैं, यहाँ पर जरूरी नहीं है 1,2-diol बनेंगे। जैसे अभी हमने 1,2-diol बनाया, देखते हैं 1,3-diol भी बना सकते हैं, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? हमको लेना पड़ेगा CH2, यहाँ पर Br लगा हुआ है, तो व्हाट इज दिस? ये क्या है, क्या बनाए? प्रोपेन है, कौन था? 1,3-dibromo प्रोपेन है। तो जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी एक्वस NaOH के साथ,
NaOH के साथ Na प्लस OH माइनस किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल जाएगा, अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2, 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 यहाँ आ जाएगा OH, OH। अब ये कौन सा डायोल बन गया, 1,3-diol। इसी तरह से हम 1,4-diol, 1,5-diol की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जबकि एल्कीन से हम 1,3-1,4-diol की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, और मेथड देखते हैं। मैकेनिज्म नहीं करा रही हूं मैं, क्योंकि मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में हुआ था। ठीक है, तो बार बार मैकेनिज्म कराएंगे, टाइम वेस्ट ही होगा आपका, जल्दी चैप्टर खत्म करना है भाई। तो आगे और मेथड्स देखते हैं। अगला मेथड क्या है भाई, डाइब्रोमो एल्कोहल की क्या करा सकते हैं। अगला भी हम डाइब्रोमो एल्कोहल से एल्केन से कराएंगे, तो क्या होगा, डाइब्रोमो एल्केन की किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, यहां पर हम लेंगे पोटेशियम एसीटेट भी ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट भी ले सकते हैं, तो सोडियम एसीटेट या पोटेशियम एसीटेट के साथ, तो डाइब्रोमो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया द्वारा, जब मैं इनकी एसीटेट के साथ अभिक्रिया करूंगी तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेंगे, एसीटेट बनेंगे। यहां पर करूंगी क्या, एसीटेट का निर्माण होता है। कैसे एसीटेट बनेंगे, यहां पर डाइब्रोमो एल्केन लिए थे तो डाई एसीटेट बनेंगे। ठीक है, एसीटेट का निर्माण होता है जिनका जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। मतलब हैलोजन थे, हैलोजन से पहले एस्टर बनेगा, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और एस्टर से क्या होंगे, एस्टर से अल्कोहल का निर्माण होगा, और एस्टर से अल्कोहल का निर्माण ये मैकेनिज्म भी मैं कहाँ करा चुकी हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में करा चुकी हूँ। इसलिए तो मैंने कहा था अगर एक बार मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गए तो डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कराने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर हमने एक एक मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था, और जो मैकेनिज्म वहां पर लगे थे वही मैकेनिज्म यहाँ लगेंगे। बस वहां एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंजर्शन हुआ था, यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इंजर्शन होगा, है ना। तो मैकेनिज्म सेम ही रहेंगे। अगर किसी को मैकेनिज्म देखना है तो पिछले वीडियो में जाकर देखें, जहां मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में करवाया था हमने मैकेनिज्म। ठीक है, याद आपने लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे आप लोग, तो अपने नोट्स में पीछे पलट कर देखिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, डाइब्रोमो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया द्वारा एसीटेट का निर्माण होता है। एसीटेट यानी कि जो एस्टर है वो निर्माण होगा, जिसका जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जब हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो उससे क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिया है RCH2CH2Br, डाइब्रोमो एल्केन ली है कोई, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3COONa, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस। ठीक है, ये माइनस है, न्यूक्लियोफिलिक है, इस पर माइनस चार्ज आ गया, सोडियम प्लस है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्या करेगा, जाएगा कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, जाएगा कार्बन पर अटैक करेगा, ब्रोमीन को बाहर निकाल देगा, SN2 अटैक करेगा, है ना, पीछे से अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, पीछे से अटैक करेगा इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो पहले ये जाके क्या बनाएगा, एसीटेट बनाएगा। मैकेनिज्म मैं पहले भी करा चुकी हूँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, बार बार बोल रही हूँ। तो सबसे पहले क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OCO CH3, ऐसे यहाँ आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3, क्या बना, एसीटेट बना, क्या बना, एसीटेट बना, प्लस सोडियम है, दो ब्रोमीन निकले, तो क्या बनेगा, 2NaBr, ये बाहर निकल गया। अब ये जो बना, क्या बना, मैं ऐसे लिख दूं इसे CO, सॉरी OCOOCH3,
CH3, यहाँ पर था CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, R ग्रुप जुड़ा हुआ है। कुछ गड़बड़ लग गई क्या? हाँ, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, अब बैलेंस पूरी है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई थी, ये गड़बड़ तो आप भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं ऐसी गड़बड़ हो जाए जल्दबाजी में लिखने में कि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाए, तो वो तो आप भी ठीक कर सकते हैं। आप खुद से इतने समझदार हैं कि उस चीज को ठीक कर लेंगे जहां पर भी गड़बड़ हुई है। ठीक है, कई गलती से कभी कभी हाइड्रोजन लिख जाते हैं जल्दबाजी में ज्यादा। ठीक है, तो ये बना, ये वही है, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसका जल अपघटन करूंगी। क्या बन गया ये, एस्टर ही तो बना है। OCO ये वाला जो ग्रुप है, ये लिंकेज कौन सी होती है, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। तो एक्चुअल में क्या ये एस्टर है, या मैं इसको बोल सकती हूँ डाई एसीटेट। क्या बना हुआ है, ये डाई एसीटेट है, एस्टर है। तो और एस्टर का जल अपघटन होता है, एस्टर का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में भी होता है और क्षारीय माध्यम में। एस्टर का जल अपघटन दोनों तरीके से हो सकता है, अम्लीय माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी। लेकिन जो अम्लीय माध्यम होता है वो फास्ट होता है, इसलिए हम ज्यादातर क्या लेते हैं, अम्लीय जल अपघटन। तो मैं इसका अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराऊंगी, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ R ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 1 2 3 4 OH, तो क्या बन जाएंगे, यहाँ पर डाइओल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, डाइओल का निर्माण हो जाएगा। मैकेनिज्म, मैं एस्टर का जल अपघटन का मैकेनिज्म पहले भी करा चुकी हूँ, नहीं याद हो तो मैं देख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास RCOOCH3, ये एस्टर है हमारे पास, क्या है, एस्टर। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन है, एसिडिक जल अपघटन करना है। ऑक्सीजन क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे, H प्लस को ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऐसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा ताकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा फिर क्या करेगा, H2O यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा OH, यहाँ पर OH2 प्लस और यहाँ पर क्या है, OCH3 है। ठीक है, मैकेनिज्म मैं पहले भी करा चुकी हूँ, देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा उनको दोबारा दिखा देती हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अनस्टेबल है, तो ये वाला OCH3 क्या करेगा, इसको ले लेगा। ये वाला क्यों नहीं लेगा OH, ये मैं पहले ही लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ पर, ये पूरी तरह से टूटता नहीं है, ये रिएक्शन एकदम से होता है, कंसर्टेड होता है, एक के बाद एक होता है। तो ये बॉन्ड पूरा टूट नहीं पाता, जो बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ऊपर जा रहा है, जब ये प्रोटॉन लेता है उस टाइम ये पूरा टूट नहीं पाता, यहाँ पर जो बॉन्ड था वो पूरा टूटा नहीं है, इसलिए ये वाला ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को नहीं ले सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, RCOH बन जाएगा, यहाँ पर OCH3 यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पर OH बन गया। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ अटैक करेंगे और ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, उल्टा ले लिया मैंने, एस्टर तो लिखा लेकिन उल्टा लिख दिया, मैकेनिज्म भी सही है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, गड़बड़ हो गई। ये हमने ऐसे लिया है OC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो मैकेनिज्म वही होगा, OH प्लस आया, यहाँ पर OH बना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ पर क्या है, इसने H प्लस ले लिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वही सेम मैकेनिज्म जो पहले हुआ था, यहाँ पर H प्लस ले लिया। तो क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन के लोन पर नीचे जाएंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा ROH प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड OOH, ये बाहर निकल जाएगा और हमको क्या मिलेगा, हमारा एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जैसा पहले हुआ था, बस क्या था, वहां पर सी डबल बॉन्ड OOCH3 था, यहाँ पर OR है, यहाँ पर क्या है, OR ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बनेंगे, अल्कोहल बनेंगे प्लस क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, क्या बनेगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका अल्कोहल का डाइओल्स जो है हमारे उनका निर्माण होगा। ठीक है, अगली मैकेनिज्म देखते हैं,
अगला मेथड क्या है? कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, जैसे हमने मोनोहाइड्रेट अल्कोहल बनाए थे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा, वैसे ही हम कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से क्या बना सकते हैं? डाइहाइड्रिक अल्कोहल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारे तरीके बताए थे अपचयन करने के मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, वैसे ही आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हम एक लेकर चलेंगे, जैसे रिएक्शन लिखाई थी आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में याद हो तो, ब्यूगो ब्लांक रिएक्शन, जिसमें क्या किया था, सोडियम धातु और इथाइल अल्कोहल के मिश्रण की रिएक्शन कराई थी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। तो क्या बना था, मान लो हम यहाँ पर डाइहाइड्रिक अल्कोहल बनाने, तो हमने ये ले लिया CHO CHO, ग्लाइऑक्सिल, क्या लिया है, CHO CHO ग्लाइऑक्सिल लिया है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं, इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं, अपचयन करा रहे हैं, किसके साथ, सोडियम धातु और इथाइल एल्कोहल के साथ, सोडियम धातु और इथाइल एल्कोहल के साथ इसका अपचयन करा। ठीक है, तो यही कौन सी रिएक्शन थी, ये ब्यूगो ब्लांक रिएक्शन थी, याद होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में रिवाइज कीजिए। इसका मैकेनिज्म भी मैंने वहां लिखा था कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है, क्या क्या बनता है, किटाइल रेडिकल बनता है, यानी कि यहाँ पर एक एनाइन रेडिकल का निर्माण होता है। मैकेनिज्म के लिए आपको पिछले लेक्चर्स में देखिए, बार बार मैकेनिज्म कराने से क्या है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म के लिए पिछले लेक्चर्स को कंसिडर कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकता है कमेंट करके। ठीक है, तो कमेंट कर सकता है जिसको समझ में ना आए। तो क्या बनेगा यहाँ से, यहाँ से बनेगा CH2 CH2 OH और OH, रिडक्शन हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखूं, HC डबल बॉन्ड O, इसको लिखो HC डबल बॉन्ड O, इस तरीके से है। तो रिडक्शन में क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H कार्बन पर जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। ये तो अपचयन हुआ, तो क्या होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। और कैसे हुआ रिडक्शन, इसका मैकेनिज्म पिछले लेक्चर्स में है, आप जाइए पिछले लेक्चर्स में देखिए। अल्कोहल्स की जब हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण किया था एल्काइल, सॉरी किससे, कार्बोनिल यौगिकों से, तो इस तरह से हम क्या, ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ब्यूगो ब्लांक अपचयन। क्या है, ब्यूगो ब्लांक अपचयन, इसका मैकेनिज्म आप पीछे देख सकते हैं, यानी कि हम ब्यूगो ब्लांक अपचयन द्वारा भी निर्माण कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं, किससे करा सकते हैं, इथिलीन डाई अमीन, किससे, इथिलीन डाई अमीन से। तो इथिलीन डाई अमीन से डाइऑल का निर्माण, ये और देख लेते हैं लास्ट, इथिलीन डाई अमीन से डाइऑल का निर्माण। इथिलीन डाई अमीन क्या होगा, इथिलीन CH2 CH2, डाई अमीन का मतलब दो अमीन ग्रुप लग जाएंगे, तो ये क्या बन गया, यही है इथिलीन डाई अमीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HNO2 plus HCl 0 to 5 degree centigrade। ये रिएक्शन आपको कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी, जब अमीन है हमारे पास, HNO2 HCl है, टेम्परेचर है 0 से 5 के बीच में, तो कौन सी रिएक्शन होती है, जानते हो ना कौन सी रिएक्शन है, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या होगी, डाई एजोटाइजेशन इसका नाम है, कौन सी रिएक्शन है ये, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। तो क्या होगा, ये जो NH2 ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाएगा, ये लिया है मैं CH2 CH2, किसमें चेंज हो जाएगा, N2 plus Cl minus, किसमें चेंज हो जाएगा, N2 plus, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए Cl minus। N2 तो गैस है, नाइट्रोजन तो गैस है, बाहर निकलेगी, यही तो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है। तो क्या बन जाएगा, CH2 plus CH2 plus, कार्बोकैटायन का निर्माण होगा। इस पर कौन अटैक करेगा, H2 अटैक करेंगे, 2H2 लेंगे, H2 अटैक करेंगे, तो फाइनल स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा डाइऑल। क्या बन गया, डाइऑल। कौन सी रिएक्शन है ये, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें NH2 ग्रुप अमीन ग्रुप जो है किसमें चेंज हो जाता है, N2 प्लस में चेंज हो जाता है, डाई एजो ग्रुप में चेंज हो जाता है। फिर वहां से N2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाती है, N2 गैस बाहर निकल, गैस है तो बाहर निकलेगी, N2 गैस जब बाहर निकलती है तो कार्बन पर किसका जनरेशन होता है, कार्बन पर जनरेशन होता है कार्बो कैटायन का, उस कार्बो कैटायन पर कौन अटैक कर देता है, H2 अटैक कर देता है। तो
तो यहाँ पर किसकी जनरेशन हो रही है, यहाँ पर क्या बने हैं, दोनों कार्बन पर क्या होगा, कार्बो कार्बो कैटाइन का जनरेशन होगा, कार्बो कैटाइन बन रहे हैं, आपने पढ़ी होगी ना। जैसे ये है RnH2, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HNO2 और HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बनता है यहाँ पर Rn2+ बनता है, Cl माइनस, फिर क्या होता है N2 गैस तो जो है वो बाहर निकल जाती है और क्या बनता है R+ कार्बो कैटाइन बनता है, और इसकी रिएक्शन जब हम H2O से कराएंगे तो क्या बन जाता है, ये ROH बना लेता है। डाई एटोटाइजेशन द्वारा भी हम एल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने कई सारे मेथड्स देखे जिनके द्वारा हम डाईहोल का निर्माण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डाईहोल्स की रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस के बाद फिर हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर ये चैप्टर एंड। तो ज्यादा बहुत कुछ बचा नहीं है, मैकेनिज्म हमको बहुत ज्यादा बताने नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर मैकेनिज्म कहाँ बता चुके हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में बता चुके हैं, तो बार बार नहीं बताएंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।